Hello everyone I charul welcome you all on my channel education at your doorstep this is a lecture number 30 in the lecture series of geomorphology and guys as you know that we have started a sub lecture series on landforms in which we are discussing about each and every landform in detail so we have already talked about the first order and the second order landforms and now we are talking about the third order landforms and we are going to continue the topic of the aeolian landforms which are basically the result of the action of the wind in the previous video we discussed about the aeolian erosional landforms and in this video we will be talking about the aeolian depositional landforms which include the different types of sand dunes and the loess but before starting this lecture i want to ask you some questions and you have to write down the answer in the comment section which type of wind erosion is responsible for the formation of the desert hollow and the mushroom rock zeugen and yardangs are equivalent to which fluvial landforms if you don't know the answer of these questions and you are finding any problem then please watch my previous videos the link is given below in the description and if you have any doubt regarding any lecture you can follow me on my telegram channel that is education at your doorstep and guys please subscribe to my channel if you have not subscribed yet so guys let's talk about the aeolian depositional landforms we have already talked about the basics of the aeolian landforms that they are basically the result of the wind action द एक्शन में भी द इोशनल और द डेपोजिशनल एंड गाइज हमें पता है कि डेजर्ट एरियाज की जो सॉइल होती है वो बहुत अच्छे से डिवेल्प नहीं होती इसीलिए जो वहाँ के सेडिमेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं एंड ऑल्सो वहाँ पर ना तो किसी तरह की वेजिटेशन है एंड ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हमारी विंड की एनर्जी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हो जाती है क्योंकि अगर कोई ऑब्स्ट्रैकल नहीं होगा तो हमारी विंड आसानी से वहाँ पर ब्लो करती रहती है एंड हमारी विंड की एनर्जी होने के कारण वो एक जगह से सेडिमेंट्स को इरोड करती है एंड उन्हें दूसरी जगह पर जाकर डिपॉजिट कर देती है तो जहां से हमारी विंड सेडिमेंट्स को उठाने वाली है वहां पर हमारे अयोलियन लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन हो जाती है लेकिन विद टाइम या फिर किसी ऑबस्ट्रैकल के कारण जब हमारी विंड एनर्जी कम हो जाती है तो विंड बेसिकली उन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करना शुरू कर देती है एंड वहां पर अयोलियन डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन हो जाती है तो गाइस हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अयोलियन इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो गाइस अभी हमें ये पता चल गया कि जो हमारे अयोलियन इरोजनल लैंडफॉर्म्स थे ये बेसिकली डेजर्ट एरियाज में बन रहे थे ऐसे ही जो हमारे अयोलियन डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं ये या तो फिर हमारे बनने वाले हैं डेजर्ट एरियाज में या फिर डेजर्ट एरिया से थोड़ा सा दूर बेसिकली जहाँ पर भी जाकर विंड की एनर्जी कम हो जाएगी वहीं पर सेडिमेंट्स डिपॉजिट होंगे एंड वहीं पर हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉम्स की फॉर्मेशन हो जाएगी तो गाइस हमने एक पॉइंट और देखा है कि जो हमारे डेजर्ट एरियाज होते हैं यहाँ की सॉइल बहुत अच्छे से डिवेलप नहीं होती एंड यहाँ पर कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होता इसकी वजह से जो विंड एनर्जी होती है दैट इज मैक्सिमम इन द डेजर्ट एरियाज इसीलिए जो हमारे एयोलियन लैंडफॉर्म्स फॉर्म्स हैं ये डेजर्ट एरियाज में ही बनते हैं तो गाइज बेसिकली दो तरह के आयोलियन डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं एक होते हैं सैंड ड्यून्स एंड दूसरे होते हैं लोइस तो गाइज जो सैंड ड्यून्स है ये तो बेसिकली हमारे डेजर्ट एरियाज में ही बनते हैं एंड दे आर बेसिकली द मोस्ट बेसिक लैंडफॉर्म्स दैट आर फाउंड इन द डेजर्ट एरियाज क्योंकि गाइज अगर आप कभी भी राजस्थान में गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर छोटे छोटे हिल्स होते हैं ऑफ द सैंड And आपको पता है कि जो भी डेजर्ट एरिया की सॉइल होती है वो बहुत ही ज्यादा लूजली पैक्ड सेडिमेंट्स की बनी हुई होती है तो ऐसे ही जो हमारे हिल्स ऑफ द सैंड बनने वाले हैं ये भी बहुत ही ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं जिसकी वजह से दे आर वेरी लाइट इन वेट एंड ये विंड के साथ आगे मूव करना शुरू कर देते हैं एंड जैसे जैसे इनमें और ज्यादा सेडिमेंट्स एड ऑन होते जाएंगे इनका साइज भी इंक्रीज होता जाता है इस तरह के को हम लोग करते जा हैं। तो उस टाइम हम लोग उन सैंड ड्यून्स को बोलने वाले हैं एक्टिव सैंड ड्यून्स लेकिन अगर रास्ते में कोई भी ऑब्सट्रैकल आ गया या फिर जहां पर हमारे सैंड ड्यून्स बने हुए हैं वहां पर विंड एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम है या फिर किसी रॉक या फिर किसी लैंडफॉर्म के साथ टकराने के कारण हमारा सैंड ड्यून बेसिकली डिस्ट्रॉय हो गया है क्योंकि वो बेसिकली लूजली पैक्ड सेडिमेंट्स का बना हुआ था इसीलिए उसका टूटना भी बहुत ही आसान होता है तो ऐसे सैंड ड्यून्स को हम लोग बोलते हैं इनएक्टिव या फिर पैसिव सैंड ड्यून्स तो हमने देखा कि जो मूव करेंगे वो एक्टिव सैंड ड्यून्स एंड जो स्टेबल रहेंगे उन्हें हम लोग बोलते हैं गाइज इनएक्टिव और दी पैसिव सैंड ड्यून्स तो अभी क्लासिफाई करते हैं सैंड ड्यून्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप तो गाइज अगर जो हमारे सैनड्यून्स हैं वो बेसिकली इन द शेप ऑफ द क्रीसेंट मून है हमें पता है गाइज जो क्रीसेंट मून होता है उसकी एक साइड होती है कन्वेक्स एंड दूसरी साइड होती है कंकेव तो so ऐसे ही कुछ हमारे बर्चैंग नाम के सैंडून्स भी बनते हैं तो गाइज अगर हमारे सैंड्यून्स इन द शेप ऑफ द क्रीसेंट मून है तो हम लोग उन्हें बर्चैंग्स का नाम दे देते हैं तो गाइज अभी होता क्या है कि जिस तरफ से विंड ब्लो करती है उस साइड बन जाती है कन्वेक्स शेप एंड कन्वेक्स शेप होने के कारण वहां की जो स्लोप्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा जेंटल होती हैं लेकिन गाइज जो ऑपोजिट साइड है ऑब्वियसली वहां पर कनकेव साइड बन जाएगी एंड कनकेव शेप होने के कारण वहां की जो स्लोप होती हैं वो बहुत ही ज्यादा स्टीप होती हैं तो विंडवर्ड साइड हमारी बनेगी कन्वेक्स शेप एंड लीवर्ड साइड बनने वाली है कनकेव शेप तो गाइज जिस तरफ से विंड आएगी उसे बोलेंगे हम लोग विंडवर्ड साइड एंड ऑपोजिट साइड को क्या बोलेंगे साइड तो लेकिन लीवर्ड साइड पर कंकेव शेप बन रही है एंड वहां, वहां की स्लोप्स बहुत ही ज्यादा स्टीप है एंड गाइज ये भी बेसिकली मूव करते रहते हैं आप देख सकते हैं कि कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट सैंड्यून्स एक ही लाइन में मूव ऑन कर रहे हैं तो ऐसे सैंड्यून्स को हम लोग बर्चैंग्स बोलते हैं एंड विद टाइम जैसे जैसे इनमें सेडिमेंट्स इंक्रीज होते जाएंगे इनका साइज भी और ज्यादा इंक्रीज होता जाता है एंड दे आर वेरी प्रीवेलेंट इन द सहारा डेजर्ट तो ऐसे सैंड्यून्स को हम लोग गाइस क्या बोलते हैं बर्चैंग्स उसके बाद गाइस बात करते हैं सीव की दे आर बेसिकली द स्वॉर्ड शेप्ड सैंड्यून्स गाइज एक्चुअली जो सीफ वर्ड है ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्वॉर्ड स्वॉर्ड मतलब तलवार तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये तलवार की तरह ही दिख रही हैं तो गाइज इसमें क्या है कि ये बेसिकली पैरेलली मूव करते हैं जैसे हमारे बर्चैंग्स मूव कर रहे थे जैसे हमारे बर्चैंग्स बेसिकली विंड को ब्लो करने से रोक रहे थे या फिर विंड के डायरेक्शन में ब्लो करते जा रहे थे ऐसा ही कुछ हमारे सीफ्स में भी होता है तो गाइस बर्चैंग में क्या था जैसे जैसे और सेडिमेंट्स उसमें इंक्रीज होंगे बर्चैंग का साइज इंक्रीज होता जाएगा लेकिन हमारे सीफ के केस में बेसिकली गाइस क्या होता है कि अगर हमारी विंड ब्लो कर रही है इन द शेप ऑफ द सीफ मतलब पैरल टू द सीफ तो हमारी लेंथ ऑफ द स्वॉर्ड इंक्रीज हो जाती है लेकिन अगर विंड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है हमारे सीफ के तो बेसिकली हाइट ऑफ द सीफ विल इंक्रीज मतलब क्या हुआ गाइस अगर जो विंड है वो पैरेलल टू द ग्राउंड चल रही है तो लेंथ ऑफ द सीफ दैट इज द स्वॉर्ड शेप्ड सैंड ड्यून विल इंक्रीज लेकिन अगर जो हमारी विंड है वो बेसिकली फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स मूव कर रही है तो बेसिकली हाइट ऑफ द स्वॉर्ड दैट इज सीफ विल इंक्रीज एंड गाइज इस तरह के सैंड ड्यून्स को हम लोग सीफ बोलते हैं दैट आर बेसिकली द स्वॉर्ड शेप एंड बर्चैंग में, में, में भी मिल जाते हैं तो गाइज अभी हमने सैंडून्स के बारे में देख लिया है अभी गाइज बात करते हैं लोइस के बारे में तो गाइज जो हमारे सैंडून्स थे वो बेसिकली डेजर्ट एरियाज में बन रहे थे लेकिन जो लोइस है ये बनते हैं अवे फ्रॉम द डेजर्ट एरिया हुआ क्या गायस हमारे विंड ने कुछ सेडिमेंट्स को ब्लो आउट कर लिया बेसिकली डेजर्ट एरिया से लेकिन क्योंकि गायस वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो सेडिमेंट्स की डिपोजिशन डेजर्ट एरिया से थोड़ी सी दूर जाकर हुई तो हुआ क्या गाईस? जो हमारे डेजर्ट एरिया थे वहां पर तो रेनफॉल होती नहीं थी लेकिन अगर हम लोग थोड़ी सी दूर जाए तो वहां पर तो रेनफॉल होगी तो गाइस होगा क्या कि वहां पर भी हिल्स ऑफ द सैंड बन जाएंगे बेसिकली वहां पर प्लेन्स भी बन सकते हैं लेकिन जब रेनफॉल होगी तो होगा क्या कि वहां पर इनफिल्ट्रेशन ऑफ द वॉटर हो जाएगी एंड इस तरह के लैंडफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं लोइस एंड गाइज दे आर वेरी प्रिविलेंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द चाइना तो गाइज ऐसे कुछ दिखते हैं हमारे लोइस तो गाइज सैंडून्स थे जो वो हमारे डेजर्ट एरियाज में बन रहे थे लेकिन लोइस कहाँ पर बन रहे हैं अवे फ्रॉम गाइज हमने देखा जैसे कि लोयस है ये बेसिकली अवे फ्रॉम द डेजर्ट एरिया है तो वहां पर विंड एक्शन भी कम होगा जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट भी कम हो जाएगी एंड गाइज हमने देखा था की सैंड डून्स बेसिकली प्रिवलेंट इन दी सहारा डेजर्ट एंड राजस्थान लेकिन जो हमारे लोइस है ये तो किसी भी डेजर्ट एरिया में प्रेजेंट नहीं है बल्कि ये तो नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द चाइना में प्रेजेंट है तो गाइज ऐसे हमने अभी अयोलियन लैंडफॉर्म्स को भी फिनिश कर लिया है इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स के बारे में सो गाइज स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स इफ यू एंजॉयड माई वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू